नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई 12 धुमधुमा गांव के बच्चों का आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ एक कहानी है, इसमें बच्चों में कितनी सारी क्षमताएं होती है उसका यहाँ पर हमें वर्णन देखने को मिलेगा। बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना अति आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में धुमधुमा गांव के बच्चों एवं लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए बच्चों ने कितने ठोस कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया गया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल जो है वह ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। अब यह कहानी हम देखते हैं। यह धुमधुमा गांव है, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी, खेत सूख जाते थे, लोग परेशान रहते पर कोई इसका उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना तो चाहते थे, तैरना भी चाहते थे, पर कहाँ तैर पाते। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। आप सभी भी जाते हो ना खेलने के लिए बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, वैसे ही एक दिन सभी जो बच्चे थे वह मैदान में इकट्ठा हुए और उन्होंने पानी की कमी कैसे दूर की जा सकती है उसका उपाय सोचने लगे। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगी, रोज बरसो, बिल्लू बोला। बिल्लू क्या बोला कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा कि वे रोज बरसे। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, महिमा बोली। यानी कि महिमा फिर से उसका उत्तर देते हुए बोली, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, यानी कि हर रोज बारिश आए तो मज़ा आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह महिमा बोली कि बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, नहीं बरस सकते। देखो आपको यहाँ पर उसका चित्र भी दिया गया है, दिखाई दे रहा है छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के हाथ में विविध साधन है और वे कार्य कर रहे हैं, क्या करने के लिए, पानी की कमी दूर करने के लिए। अब आगे देखते हैं। तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे, तो अब फिर कैसे करेंगे पानी की समस्या को हल, वह सब सोचने लगे। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, रजिया बोली। यानी कि रजिया ने अपना जो दिमाग था उसको कस के सोचा और उसने एक उपाय बताया। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, ऐसा कौन बोली, रजिया बोली। हाँ हाँ यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। यानी कि सारे बच्चे रजिया का साथ देते हुए बोले, हाँ तुम जो कह रही हो वह सब ठीक है। फिर बच्चे लाए फावड़े, कवाड़ी, कुदाले और तसले। यानी कि फिर जो बच्चे थे वह विविध साधन लेके आए और क्या क्या लेकर आए, फावड़े यानी कि पावड़ों, कुहाड़ी यानी कि कढ़ाई, कुदाले यानी कि कुदाड़ी और तसले यानी कि तगारू। यानी कि वे सब अपने अपने घर से सामान लेकर आए और वे जमीन खोद रहे थे और मिट्टी ढो रहे थे। जमीन खोदते हैं तो क्या निकलती है, मिट्टी निकलती है, तो वह मिट्टी लेकर उसे इस तरफ डालते हैं, ठीक है, उसे मिट्टी ढोना करते हैं, फिर बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए देखकर गांव वालों ने देखा, यानी कि बच्चे यहाँ जो सारा काम कर रहे थे वह सब गांव वालों देख रहे थे, वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट पड़े। यानी कि वे भी अपने वह जो बच्चे थे गांव के उसके साथ काम करने में लग गए। इस तरह एक बड़ा सा तालाब बना, यानी कि उन्होंने गड्ढा खोदा और देखते ही देखते पूरा तालाब बन गया। बरसात में उस तालाब में पानी भरा, यानी कि बरसात आई तब उसमें बहुत सारा अच्छा पानी भरा। पानी से खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान लहलहाए। लोग खुश हुए और बच्चों ने पानी में छपाछप खूब नहाया। देखो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, बच्चे सब जो थे वह पानी में छपाछप नहा रहे हैं। और चलो बच्चों यह इकाई आज हमने
दुमदुमा गांव के बच्चे जो इकाई था उसका अध्ययन किया, मैंने आपको यहाँ इकाई समझाया। अब आपको भी यहाँ इकाई एक बार घर से पढ़ना है और उसके जो शब्दार्थ है वहाँ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने हैं, ठीक है। होमवर्क में फिर से दोहराती हूँ, आपको जो यह इकाई है वह दुमदुमा गांव के बच्चे वह एक बार पढ़ना है और उसके जो शब्दार्थ है वह आपको हिंदी की नोटबुक में एक बार लिखने हैं, ठीक है। नमस्ते बच्चों।